खुश आमदीद उस्मान साहब। मलहून, खैर तो है, क्या हुआ है? आयशा खातून को किसी ने जहर दे दिया है। क्या उस्मान सरदार? किसी पर शक है? बताओ। होलोफेरा और ओलिविया को जिंदान में डाल दिए हैं जनाब, हमें उन्हीं पर शक है। उस्मान सरदार, गुंडूज साहब और एलचिम खातून के गुस्से पर काबू पाने के लिए मैंने उन्हें जिंदान में डालना मुनासिब समझा। अच्छा किया तुमने। आयशा खातून ठीक है? अब कैसी है? अलाउद्दीन उसका इलाज कर रहा है। वो कहता है कि अगर हमें जहर मालूम हो जाए तो हम उसका तरियाक ढूंढ लेंगे, वरना फिर क्या होगा? तो फिर होलोफेरा ने कुछ कहा तुमसे? इस बारे में होलोफेरा कुछ भी नहीं बता रही। तो क्या सोचा है? यकीनन ये एक मुश्किल मरहला है। होलोफेरा जैसी लड़की शैतान के बहकावे में आकर ऐसा नहीं कर सकती जनाब। बाबा। मेरी बेटी फातिमा। बाबा, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मेरा दिल और हान भाई की वजह से परेशान रहता है। ये कैसा इम्तिहान है बाबा? उन पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त? हरगिज फिक्र मत करो फातिमा। अल्लाह ने चाहा तो उसे सजा जरूर मिलेगी जिसने किया है, लेकिन हम अभी अपनी बेटी आयशा के लिए दुआ कर सकते हैं। इंसाफ होकर रहेगा। अगर हम इंसाफ के तकाजे पूरे न कर पाए तो कई कबाइल का इत्तेहाद हमारे लिए ख्वाब रह जाएगा। जिसे हम दोनों कबीलों का इत्तेहाद नहीं पसंद, उन्होंने ही शायद ये करवाया है। एक ही शख्स के पीछे, इमरान तैगिन। जब तक वो अलामत हासिल नहीं कर लेता, वो ऐसे ही वार करता रहेगा। अभी तो ये शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है। इस मसले को हम इंसाफ के साथ हल करेंगे, अपनी आंखें खुली रखेंगे इंशाल्लाह। अब दोबारा नहीं ऐसा होने देंगे। सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आयशा। बाबा। आयशा बेटी, कैसी है अब ये? और हान साहब से कहा था मैंने कि वो लड़की मुसीबत लाएगी हमारे लिए, खून बहेगा उसकी वजह से, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। बाबा, जिसने भाभी के साथ ऐसा किया उसे सजा दिए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। उसे किए की सजा मिलेगी, सब्र करो, अपने गुस्से पे काबू रखो। मुझे उस्मान सरदार की अदालत पे भरोसा है। ये शादी हमारे लिए मुसीबत लाएगी। उस खातून ने और हान साहब पर जादू कर दिया है। बाबा, अभी भी वक्त है, हम पीछे हट चलते हैं। बाबा, बहुत हो गया एलचिम। उरहान जो सोचता है मुझे परवाह नहीं, उस्मान सरदार जो करेंगे वो अहम है। जिसने भी यह हरकत की है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस्मान जानता था कि सिर्फ बाज़ंतीन उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि पोप और यूरोपी ममालिक भी है। खामोश नहीं बैठेगा वो, अपनी आंखें खुली रखो। उस्मान को इस बात का इल्म कैसे हुआ मैं नहीं जानता। अलामत लाने वाले उस मंगोल के सिवा ये राज कोई नहीं जानता था, उसी ने बताया होगा। अब हम क्या करेंगे? उस्मान कोशिश करेगा आपका सामना करने की। करने दो उसे, मैं उसे दिखाऊंगा कि ये नामुमकिन है। मेरा मुकाबला करना आसान नहीं है। इमरान तैगिन, पादरी, लातानी और फिरंगी रियासतों के सफीर आए हैं। चूंकि
हम मुहासरे की हालत में हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत खूब, वो ठीक वक्त पर आए हैं। उन्हें खुफिया रास्तों से अंदर लाओ। उस्मान का सलीबी जहन्नम में चलने का वक्त आ गया है। फिर मैं अपनी रियासत कायम करके उस आग से जन्नत बनाऊंगा। और ज्यादा नरमी से नहीं पूछ सकता मैं तुमसे। ये सुना तुम इमरान तेगन के पास लेकर जा रहे थे। हम ये जानते हैं, मगर अतरनूस हमारे मुहासरे में है, इसीलिए सोना तुम वहां नहीं ले जा सकते। अब तुम सिर्फ इतना बताओ कि इमरान तेगन से तुम्हारी मुलाकात कहां होने वाली है। उलझाए तो हान इसका तुमसे, बदला जरूर लेगा। अब भी वक्त है, मुझे जिंदा छोड़ो और अपनी जिंदगी बचा लो। तुमने हमारी रहनुमाई के बारे में कैसे सोच लिया? हाँ, मैं देख रहा हूं कि तुम इस वक्त बिल्कुल ताजुद्दीन नोयान जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम पर इस वक्त की बातें अच्छी नहीं लग रही, वो भी ऐसे वक्त में जब तुम मौत के बहुत करीब हो। इमरान तेगन और उसके लोग कहां हैं और कहां मिलने वाले उससे बताओ जल्दी। खामोशी से खड़े रहो वहीं, वरना तुम दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे। बताओ कहां मुलाकात होगी। रुक जाओ, रुक जाओ। यही सुनना था। हाँ सुन रहा हूं, बताओ। कल कारादारान के मकाम पर इमरान तेगिन के सिपाही हमसे सोना लेंगे। कैसे यकीन कर लूं हाँ कि तुम जो मुझसे बोल रहे हो वो सच है भी या नहीं। खत में यही लिखा है। सच बोल रही है, खोल दो। और ये उन मुसलमान भाइयों की खातिर जिन्हें तुमने कत्ल किया, या हक? खुद गर्ज कहेगा। शहजादे, इस वक्त हमें यनी शहर वापस जाना चाहिए, मगर मैं देख रहा हूं आप वापस नहीं जाना चाहते। हां, मैं वापस नहीं जाना चाहता। मेरा महल ही मेरे लिए अब किसी जहन्नुम से कम नहीं। एलचिम खातून ने होलोफेरा पर इल्जाम लगाया है, और होलोफेरा किसी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हकीकत सूरज की तरह आया होती है, छुप नहीं सकती। ऐसा ही है, मैं वो सब करूंगा जिसकी बदौलत होलोफेरा आसानी से बरी हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ, उसे माफी नहीं मिली, होलोफेरा अगर बेकसूर हुई तो ये बात जल्द या बदेर वाजे हो जाएगी मेरे शहजादे। लेकिन अगर वो कसूरवार हुई तो सबको मालूम है कि उस्मान सरदार क्या करेंगे।
सच बताऊं तो मुझे इसी बात का डर है, सिर्फ अल्लाह पर है सब। चलो मंगोलों को पपालिक से इत्तेफाक पर मैंने राजी किया और सलीबियों को कुछ सोने की थाली में पेश किया, और सलीबी फौज जो फ्रैंक और लातिनियो पपालिक के सदर दफ्तर से निकलेगी, वो वैनशीन बहरी जहाजों के जरिए उन सर जमीनों में जाएगा। वो बाजंतीनियो से इत्तेहाद करेंगे। तुर्कों ने कले का मुहासरा कर रखा है, हम कहां से निकलेंगे? पानी के नीचे से तुर्क उस फौज के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहेंगे और खुद को मुसल्लह करेंगे, और उनमें से अक्सर सरदारान काइयों के पीछे खड़े होंगे, उस्मान के पीछे। उस्मान जानता है कि ये लश्कर उनके लोगों को कुचलकर उनकी जायदादों पर कब्जा करेगा, इसलिए वो सलीबी फौज को अपनी सरजमीन पर गुजरने से रोकेगा। उसकी मिल्कियत वाले कले हमारे लिए फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन इससे सिर्फ हमारा वक्त जाया होगा। मगर मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। मैं दस्ते लेकर जाऊंगा और उसकी दिफाई हद कायम होने से पहले उसे तबाह कर दूंगा। मैं ईसा की कसम खा के कहता हूं, जिस तरह सलजूक सुल्तान को मिटा दिया गया था, इस तरह उस्मान को भी मिटा देंगे। यानी शहर के बाद हम कोनिया में करारगाह बनाएंगे। इस दौरान सलीबी फौज उस्मान के कत्ल की खबर के साथ अपने रास्ते पर निकलेगी, वो फिर साहिल पर उतरेगी। वो लोग तुर्कों को कत्ल करके कोनिया में दाखिल होंगे, और उसके बाद हम इकट्ठे जाकर कुद्स पे कब्जा करेंगे। इन जमीनों का अकेला हुक्मरान मैं बनूंगा। अब आप आराम फरमाएं, लंबा सफर तय किया है, आपको आराम की जरूरत है। काफिलों को आराम करने की जगह फराहम करना ताकि सलेबियों को वहां से गुजरने की इजाजत दे सके? नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज भी इजाजत नहीं देंगे हम उन्हें। सिपाही अपने तौर पर ही फैसला करके आगे नहीं बढ़ेंगे, सरदारान के मातहत होंगे। अब से हमलों के लिए सिपाही मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। जनाब, सलेबियों के जहाज के जरिए आने की तवक्को है तो मेरे ख्याल से हमें सिपाहियों को वहां भेज देना चाहिए। जनाब, ये वाजे हो गया है कि इमरान तैगिन हमें खत्म करने के लिए सलीबियों को इस्तेमाल कर रहा है। सलीबी फौज अपने तमाम तर लश्करों समेत हमें शिकस्त देके कूनिया की तरफ जाना चाहती है। ये भी मालूम है कि उन्होंने कुस्तुनदुनिया में अपने साथियों के साथ क्या सलूक किया था। कौन जानता है कि वो हमारे साथ क्या करेंगे। इमरान तैगिन की नीयत सिर्फ हमारी सरजमीनों पर कब्जा करना नहीं है, वो सरहदी बाजार से लेकर कोताहिया तक फैली हुई तमाम जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। तो इसलिए बताइए मेहमत सरदार कि उन्हें रोकने के लिए क्या किया जाए। हमें इसके लिए बहुत से हथियार और साथी चाहिए, और मेरा जवाब वही है जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। इत्तेहाद के साथ ताउन भी जरूरी है। शुक्रिया शुक्रिया, तो आप जानते हैं हमें, आपको और आपके बाबा को अपने साथ देखना चाहता हूं मैं। मेरे बाबा याकूब जुनूब में लड़ रहे हैं, सिपाही तलब करना मुमकिन नहीं, लेकिन जब बात इत्तेहाद की है तो मैं बाबा की इजाजत से यहां मौजूद सिपाहियों को आपके लिए तलब कर लूंगा। शुक्रिया। कोनूर, करासी, जानदार, हमीद और बनोशरफ के पास अपने कासिद रवाना किए जाए। जंग के लिए उन सबको अपने साथ चाहता हूं। जो हुक्म आपका। जानदार साहब को खबर भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कोताहिया में ही है, बाबा का जंग में साथ दे रहे हैं। वो वहां क्या कर रहा है? जिस इत्तेहाद और ताउन की बात आप करते हैं,
हम भी वही जज्बा रखते हैं अलाउद्दीन सरदार। जानदार साहब के बेटे और सुलेमान के भाई से मेरी बहन गोंजा की शादी होने वाली है। इसलिए अब हम जानदारियों के ससुराल समझे जाते हैं। चलो ठीक है, खैर होगी इंशाल्लाह। बाबा, इत्तेहाद और तावन सिर्फ एक शर्त पर मुमकिन है, कि इस रास्ते पर कोई भी हमारी रुकावट नहीं बनेगा, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर बात करने के लिए और कुछ नहीं है तो दीवान खत्म किया जाता है। शहजादे, होलोफेरा खातून आपसे मिलना नहीं चाहती। होलोफेरा, तुम अभी भी मुझसे बात नहीं करना चाहती? होलोफेरा, हर कोई तुम्हें मुजरिम समझता है, मगर मैं नहीं। मुझे यकीन है कि तुम बेकसूर हो। मैं जानता हूं कि तुम आयशा खातून को जहर नहीं दे सकती कभी, यकीन है, और यह हर कीमत साबित करके रहूंगा मैं।